अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक से आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके आए हैं मल्टी गार्डन, जो कि मिनी इस्लामाबाद कहा जा रहा है। मेरे कजन के बच्चों ने और मेरे बच्चों ने इस दफा काफी अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग कल पंजा साहब गए थे। आज उनको लेके आए मल्टी गार्डन। यहाँ पे मल्टी गार्डन में वो काफी ज्यादा खुश हैं और देख रहे हैं प्लेन लैंड को, यूयो लैंड को। यहाँ पे जू भी बना हुआ है, मगर जू इस टाइम बंद होने जा रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको लेके चलेंगे यूयो लैंड। हम लोग इससे पहले भी काफी दफा आ चुके हैं, मगर इस दफा हम लोग कजन और उनके बच्चों के साथ आए हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम और माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त हवा चल रही थी। दिन को काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए बच्चों ने रात को डिसाइड किया कि हम लोग रात को जाएंगे। ये यादगार चींची हमारी जान कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हर जगह आपको नजर आएंगी पाकिस्तान में। चलिए चलते हैं बच्चों की खूबसूरत और मजे की जगह, जहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यूयो लैंड। बाकी काफी सारी फैमिलीज वगैरह आए हुए थे, जिनमें पठानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख के आऊंगी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो एक सरप्राइज है नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि वो जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो हसन अमदाल में पहले जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं और अभी वो पाकिस्तान से बाहर है, उनको ये यादगार जगह दिखेगी इंशाल्लाह। और मैं स्पेशल आप लोग के लिए गई हूँ वहां पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने। ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो पाकिस्तान से बाहर है उनको मेरा ये नया वाला व्लॉग बहुत अच्छा और पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। ये बच्चों का बहुत ही पसंदीदा और जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं यूयो लैंड। इसमें हर किस्म के झूले अवेलेबल है, हर किस्म की आप राइड ले सकते हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर किस्म के एज के लोग यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चों की जो ईदी जमा थी, क्योंकि उनको छोटी ईद में भी ईदी मिलती है और बड़ी ईद में भी ईदी मिलती है, उन्होंने सारे यहाँ पे टोकन वगैरह लेके और वो खूब अच्छे से एंजॉय किया। बार बार वो अपना कार्ड रिचार्ज कर रहे थे। मेरे बच्चों की वजह से हम लोग काफी लेट घर आए, क्योंकि उनका दिल नहीं था घर जाने के लिए, वो सारी राइड्स लेना चाह रहे थे, बार बार अपना कार्ड रिचार्ज करवाते और किसी न किसी झूले में राइड लेने के लिए तैयारी उनकी होती। मुझे लगी थी बहुत ज्यादा भूख, पर यहाँ पे खाने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप यूयो लैंड में तो बच्चों के साथ आप सिर्फ बिजी इस जगह हो सकते हैं, आप मुख्तलिफ झूले ले सकते हैं, खाने पीने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बाहर आप जाएंगे तो ही आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि हब्स और बहुत ज्यादा लोगों की वजह से यहाँ पे हब्स जमा हो रहा था, और मैं किसी अच्छी जगह से इसको बार बार चेक करी थी कि कम अज कम मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हवा वगैरह चले या पंखा वगैरह या ए सी लगाओ और मैं उसके आगे खड़ी होकर थोड़ी देर सुकून से गुजारूं। मेरे बच्चे इतना थक चुके थे, आप यकीन माने कि बच्चे बहुत ही ज्यादा थकने के बावजूद भी कह रहे थे कि हम लोगों ने घर नहीं जाना, मगर हमें काफी लेट हो रहा था और हम लोग को भूख भी लगी हुई थी। वैसे तो ये काफी बड़ा है और यहाँ पे काफी ज्यादा आपको झूले इसमें नजर आएंगे, काफी ज्यादा इसमें राइड्स आप ले सकते हैं। उसके साथ ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बंदा बार बार कार्ड रिचार्ज करे तो उसके लिए काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और चार्जेस इसके हैं कि मुश्किल है कि यार बंदा यहाँ पे आके चार्जेस वगैरह फुल करे और यहाँ पे बच्चों को इतनी ज्यादा राइड्स दिलवाए। तकरीबन एक हफ्ता होने को है और मेरे गले की सेटिंग अभी तक नहीं हुई, इसलिए मुआजरत, क्योंकि मेरे गले के साथ बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आ जाती है, मेरा गला काफी जल्दी से बैठ जाता है और ये मुसीबत पता नहीं स्पेशल ओकेजन में मेरे साथ होती है, क्योंकि जब ईद हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो हमारे घर में, मेरे गले के साथ यही प्रॉब्लम चलती है। ये रहा वो एसी जिसके नीचे मैं खड़ी हुई थी और काफी टाइम तक खड़ी रही, क्योंकि काफी गर्मी लगी हुई थी मुझे,
बच्चों के साथ आगे पीछे जाके और गर्मियों की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा बंदों का रश लगा हुआ है। आज के ब्लॉग आपको कैसे लगा? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा ही लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही खूबसूरत और एक सरप्राइज छुपाए हुए आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें। बाय।